हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले स्टेप में एक ऐसे हट बनाने की कोशिश करी थी। इस बार हम एक्सट्रूड करना सीखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम लूप डाल लेंगे कंट्रोल आर कर कर इस डायरेक्शन में ऐसे, और दो कर लेंगे लूप, और लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे। पर मेरे को सेंटर में चाहिए, इसलिए मैं राइट माउस बटन दबा रहा हूँ, तो ये सेंटर हो गए। और फिर मैं कंट्रोल आर कर कर दो लूप और ले रहा हूँ, और लेफ्ट राइट माउस बटन मैंने क्लिक करा, और मैंने अब इन्हें स्केल कर रहा हूँ। मैं इन्हें स्केल वाई डायरेक्शन में कर रहा हूँ, ये ग्रीन लाइन पर कर रहा हूँ, ताकि ये मेरी हट की पोजीशन ना ख़राब हो स्केल होने पर। और हमें ज़्यादा नहीं करना, ताकि ये चीज़ जैसे ही आप लूप एक लूप के ऊपर से ले जाओगे तो ओवरलैपिंग ज्योमेट्री होगी, जो कि रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है। इसलिए ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास एक कपड़ा है या कोई पेपर है, अगर आप उसे फोल्ड करोगे तो पेपर एक साइड दूसरी साइड के अंदर से पास नहीं हो सकती। एक मोमेंट के बाद वो फोल्ड हो जाएगा बेसिकली, है ना। और अब जैसे अगर आप फोल्ड कर रहे थे, एक लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड हो गया, तो राइट वाली साइड लेफ्ट वाली साइड को डिसअपियर होते हुए, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि आर पार चले जाना, वैसे हो नहीं सकता रियल लाइफ में। इसलिए हमें भी कोशिश करनी है कि हम वो गलती ना करें। तो हम मैंने इतनी डिस्टेंस पे करे कि ये वाले लूप ने इस साइड वाले लूप को ओवरलैप नहीं करा। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम थ्री दबाकर फेस मोड में जाएंगे, और हम ये दोनों फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक फेस ही सेलेक्ट कर कर पहले ई दबाकर देखते हैं। ई दबाने से एक्सट्रूड होता है अंदर या बाहर की तरफ की डायरेक्शन में। तो हम लेफ्ट माउस बटन दबाकर इसे प्लेस कर सकते हैं, और एस से दबाकर मैं इसे थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ। पर क्या है कि अगर हम चाहें कि हमें दोनों दोनों साइड पर इकट्ठे एक ही टाइम पर विंडो मिल जाए, तो हमें शिफ्ट दबाकर दूसरा फेस लेफ्ट माउस बटन से सेलेक्ट करना होगा, शिफ्ट दबाकर। तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा पहले, फिर मैंने शिफ्ट दबाया, पहले मैंने ऑल्ट दबाकर मूव करा, पूरा टर्न अराउंड लिया, और शिफ्ट दबाकर मैंने ये वाला फेस भी सेलेक्ट करा। तो ये एक तरीका है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं अब ई दबाऊं तो एक्सट्रूड सिर्फ एक डायरेक्शन में जेड एक्सिस पे हो रहा है, और हमें ये नहीं चाहिए। तो हम या तो हम और भी कमांड्स ऐड करें इसे सही करने में, कि हम एस कर दें स्केल, तो ये आपस में स्केल हो रहा है। अब ये बड़ा या छोटा भी हो रहा है साथ में, और हमें वो भी नहीं चाहिए। पर अगर आप ध्यान से देखो तो रेड लाइन है जो इसके डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हम एक्स दबाएं तो ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में स्केल भी हो रहा है, एक्सट्रूड भी हो रहा है, और इन एंड आउट जा रहा है। एक्स्ट्रा लूप भी ऐड हो गया ना अपने आप। जैसे ही हम एक्सट्रूड करते हैं तो एक लूप बन जाता है अपने आप ही, कुछ वैसा सा है। तो ये हमारा एक्सट्रूड के रिलेटेड है। पर क्या है कि एक और इजी तरीका है, अगर आपको ऐसा सा एक्सट्रूड करना है कि आपके ऑपोजिट साइड पर हैं फेसेस, तो यहाँ पर एक्सट्रूड का बटन है। इस एक्सट्रूड के बटन को दबाए रखने से ये आपको ऑप्शन मिलेंगे, इसमें एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल है। और अगर हम इसे ऐसे क्लिक कर कर इस येलो स्टिक को अप या डाउन करेंगे, तो ये फिर वही काम करेगा जो हमने इतने सारे शॉर्टकट की यूज़ करेगी, ई एस एक्स, तब हमारा वो काम करा। तो उसकी जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी रहता है। अब हमने हमारा ये इशू है क्या कि अगर हम दोनों फेसेस जैसे डिफरेंट डायरेक्शन में, और हम अगर सिर्फ ई दबाते हैं तो ये काम क्यों नहीं करते? तो उसका सिंपल सा रीज़न मैं अभी के लिए ये देना चाहता हूँ कि हर फेस का एक नॉर्मल होता है, और वो उसके 90 डिग्री पर होता है। इस फेस का 90 डिग्री इस डायरेक्शन में है नॉर्मल इसका, और इस वाले फेस का 90 डिग्री इस डायरेक्शन में है। और मतलब इस साइड के ये जो नाइन फेसेस हैं, इनका इस डायरेक्शन में है, इन नाइन फेसेस का इस डायरेक्शन में है, इन सिक्स फेसेस का इस डायरेक्शन में है, और इन थ्री फेसेस का कुछ स्लांट इस डायरेक्शन में है। तो अब क्या है कि अगर हम ऑपोजिट साइड के फेसेस सेलेक्ट करें जिनके नॉर्मल डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, और एक्सट्रूड सिर्फ ई बटन दबा देते हैं, तो वो बिल्कुल अभी सेंटर में कर रहा है, जेड एक्सिस उसको सबसे सेफ डायरेक्शन लगी करने की, जो कि गलत हो रही है। तो हम अगर राइट बटन दबा देते हैं तो उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। यहाँ पर ज्योमेट्री ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, मैं दिखाना चाहूँ तो
आपको हमेशा कंट्रोल जेड दबाना पड़ेगा अगर आपसे गलती से अगर एक बार एक्सट्रूड आपने कर दिया। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी डार्कर है लाइन, तो यहाँ पर भी एक फेस आर्ट हो गया क्योंकि मैंने ई कमांड प्रेस करी थी। तो ये थोड़ा सा सेफ रहने की ज़रूरत होती है कि हम वापस सब कंट्रोल जेड दबा रहे हैं ताकि हमारी वो जो हमारा ने पहले एक्सट्रूड करा था वो हट जाए। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये भी एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि अब इन दोनों के नॉर्मल डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए हमारे पास एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल का एक ऑप्शन है जिससे कि ये येलो स्ट्रिक आएगी। अब क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में और उसका उस डायरेक्शन में है, तो इस येलो स्टिक को मूव करने से, ऐसे क्लिक लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करके मूव करने से ये अंदर या बाहर की डायरेक्शन में मूव एक्सट्रूड होएगा, और हमने कुछ ऐसे एक्सट्रूड कर लिया है अभी के लिए। पर अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमसे अगर कुछ ऐसे गलती हो जाए कि मैंने ई दबाया और मैंने गलती से राइट माउस बटन दबा दिया, तो हुआ क्या है कि एक फेस और ऐड हो गया इस जगह के ऊपर। ठीक है, अगर मैं सिर्फ अब जी दबाऊं तो अभी वहां पर हमारी ज्योमेट्री आएगी, जैसे अब ये आ रही है अजीब सा कुछ अब बन गया है। तो हमें हमेशा अगर हमसे हमें बिल्कुल अपना एक्सट्रूड हमसे गलती हो गई है तो हमें कंट्रोल जेड दबाकर उसे हटा देना, मतलब बैक चले जाना चाहिए, अंडू कर लेना चाहिए उस मोमेंट तक जहाँ तक हमारा वो वाला इशू है। तो ये एक छोटा सा एक्सट्रूड के ऊपर टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।